नमस्कार, डी फोकस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन। पापा का आगमन हो चुका है। ये पहले की बात थी जब हम लोग अपने टीवी में देखा करते थे, मुंबई में बहुत ही धूमधाम से पापा का त्यौहार मनाया जाता था, लेकिन अब ये हमारे शहर में भी बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 9 गायत्री मंदिर आलोक मैदान के फील्ड में, जहाँ हमारे साथ बने हुए हैं कमेटी मेंबर। आइए जानते हैं कि इस कोविड के बाद क्या खास है बप्पा के लिए और कैसे त्यौहार मनाया जा रहा है। तो बताइए आपका नाम। तो इस कोरोना काल के बाद आप लोग ये बप्पा का त्यौहार किस तरह से मना रहे हैं? मतलब 2018 से हो रही थी, 3 साल हुई पूजा, फिर लॉकडाउन हुआ, उसके बाद हम लोग कमेटी मेंबर बैठे सब, उसके बाद हमें पूजा मनाने के लिए बोला गया, मतलब चंदा वंदा काटने का। आप ये बताइए कि ये जो त्यौहार है, ये इसमें हमारे भक्तों के लिए इस बार क्या विशेष किया गया है? प्रसाद वितरण होगा और आज शाम को, और 9 में नहीं मनता है। इस वजह से हम लोग कोशिश जारी है कि 9 में मने हर साल, और इसे अच्छा और अगले साल करें। यही हम लोग का। ये 2018 से चलते आ रहा है ये? यस सर, 2018 से चलती आ रही है। और आपके कमेटी मेंबर में और कितने लोग हैं? हम लोग टोटल 30 जन हैं, और अध्यक्ष हैं राकेश गिरी, ठीक है, और यही मेंबर है। पापा को भोग लगाने के लिए क्या क्या विशेष रखा गया है? खीर और लड्डू और जो प्रसाद होता है वो। ये त्यौहार और कितने दिन तक चलेगा? ये 3 तारीख तक चलेगा, 3 तारीख को विसर्जन। Oh,